channel. My name is Shaikh Hamza and I'm a photographer. वीडियो कुछ ऐसा है क्या, मुझे दो दिन पहले यानी वेनसडे को भरत शर्मा का कॉल आया था कि उसे किसी शो के लिए फोटो सबमिट करना है, यानी बेसिकली उसे पोर्टफोलियो बनाना था। सो वेनसडे को तो हम लोगों ने शूट नहीं किया क्योंकि फोटोशूट पोर्टफोलियो हमेशा शूट होते ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ यूनिक ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आज यानी फ्राइडे तक के लिए वेट किया और अभी 9:30 हो रहा है और फ्राइडे तक इसलिए वेट किया क्योंकि आज चोर बाजार का दिन है। सो बेसिकली आज का फोटोशूट जो कुछ भी होगा हम लोग चोर बाजार में फोटोशूट करने वाले हैं। और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोग शॉपिंग भी वहीं से करेंगे। जो भी कपड़ा हम लोग फोटोशूट में यूज करने वाले हैं हम लोग पूरे शॉपिंग चोर बाजार से करेंगे और पूरा चोर बाजार एक्सप्लोर करेंगे और जितना हो सकता है फोटोज और फन करने का ट्राई करेंगे। और सेकंड थिंग, हम लोग वहां से जितना भी शॉपिंग करने वाले हैं सब हम लोग गिव अवे कर देंगे और वो गिव अवे मैं मेरे इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा। सो गाइस, अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके फॉलो करो। ये वीडियो आने के थोड़े दिन ही बाद में मैं गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो जाओ फॉलो करो। तो आज पूरा चोर बाजार एक्सप्लोर करेंगे और जितना अच्छा हो सकता है ताकि भरत उस शो के लिए सिलेक्ट हो जाए उतना अच्छा फोटोशूट करेंगे। सो चलो गाइज, सो गाइज ट्राई करते हैं और अभी डायरेक्टली चोर बाजार में मिलते हैं। ऑडिशन के लिए उसको फोटोज भी चाहिए था, तो हम लोग आज न्यू प्लेस पे आए हैं जहाँ पे हम लोग शॉपिंग भी करेंगे और साथ में फोटोशूट भी करेंगे। इस जगह पे आने का कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, और पूरा शॉपिंग आप लोग देखो, हम लोग कपड़ा इधर से ही लेंगे और उसी के साथ फोटोशूट करेंगे और वही फोटोज हम लोग पोर्टफोलियो में दिखाएंगे जहाँ से भरत शर्मा से कपड़े के प्राइस भी कुछ अलग रहेंगे। तो चलो शूट कर। So let me sing for you about the streets and the avenues. There's nothing I'd rather do. शर्ट देख रहे हैं अभी, देखते हैं शर्ट के कलर बहुत अच्छे हैं, अलग है, मतलब पुराने जमाने के एकदम। तो हम लोग इसको ट्रेंड में ला सकते हैं शायद से, अगर अच्छा फोटो शूट हुआ तो शायद ये ट्रेंड में आ जाए। तो
फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग को 2 घंटा घूमने का शर्ट एक पसंद आई जो हम लोग फोटोशूट में यूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो, और ये फोटोशूट इसका पोर्टफोलियो में सबमिट करने के लिए ये शर्ट के अंदर फोटोशूट करेंगे और ये इसके पोर्टफोलियो के लिए सबमिट करेगा। तो अभी हो रहा है 4:30 या 5 बज रहे हैं, तो चलो फोटोशूट करते हैं और देखते हैं। शर्मा का फोटोशूट हो चुका है जो उसको ऑडिशन के लिए चाहिए था, जो वो ऑडिशन के लिए जाने वाला है अभी 5 बजे। फोटोज उसको सबमिट करना है 5 बजे। फोटोज तो मिल चुके हैं पूरे अच्छी तरीके से, बट हम लोगों को अभी भी डाउट है क्योंकि हम लोगों ने जो शूट किया है वो पूरा लोगों के बीच में शूट किया है, और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ नीट एंड क्लीन जगह पे जाके शूट करें। मरीन ड्राइव आइडिया सही है। अभी का जो फोटोशूट था जैसा भी था, लोकेशन जैसा भी था, आप लोग कमेंट में बताओ। कमेंट में हर फोटो को इंडिविजुअल फोटोज जो भी आपको जो सेकंड पे अच्छा लग रहा है उसका आप कमेंट में बताओ कि वो फोटो कैसा था। और अभी नेक्स्ट फोटोशूट जो इसके ऑडिशन के लिए हम लोग निकालने वाले हैं वो मरीन ड्राइव पे जाके निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। oh, oh, oh.
एडिशन के लिए फोटोज चाहिए जो बेसिकली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो हम लोग मरीन ड्राइव पे आए अभी और चलो देखते हैं, फोटोशूट करते हैं और आपको उसके भी फोटोज दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो पूरा एंड तक देखो। Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all. 'Cause I have never did things for you. Fucking care, like they ain't even there. 'Cause I have never feelings for you. I act like I don't fucking care, 'cause I'm so fucking scared. तो गाइस फाइनली हम लोग पीसफुल जगह पे आए हैं जहाँ पे ऐसा फोटो शूट कर सके जो ऑडिशन के लिए काम आए और बच्चे के लिए। तो अभी जो भी फोटो शूट होगा मैं फोटो डालते जाऊंगा और भावेश साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब कंटिन्यू शूटिंग। फाइनली मरीन ड्राइव और चोर बाजार दोनों का फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है। एक ही दिन में आज हम लोगों ने दो लोकेशन पे ट्राई किया। और गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा लोकेशन अच्छा लगा, कौन सा फोटो ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस वीडियो खत्म होने से पहले मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, कमेंट करो, शेयर करो और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और दूसरी चीज ये बोलना चाहता हूँ गाइस कि किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, किसी को हेट मत करो। लास्ट वीडियो मैंने जो भरत के साथ बनाया था उसके कमेंट में पूरा कंपैरिजन और हेट था, जिसके वजह से कोई भी बंदा डीमोटिवेट हो सकता है। किसी को डीमोटिवेट मत करो, सबको सपोर्ट करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि दोनों की क्या प्रॉब्लम है। दोनों को पर्सनली जानता हूँ, जितने भी ये सारा सिफारिश के निकाले हुए जितने भी निकाला था सनलाइट वाले थे, मेरा रिफ्लेक्शन वाले फोटो थे और यहाँ तक कि लो लाइट के अंदर जितने भी उसके इंस्टाग्राम पे डी एस एल आर से निकाले हुए हमने नहीं निकाला था। मेरा बोलने का इंटेंशन ये था कि किसी को हेट मत करो, किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, सब अपनी जगह सही है। अगर आप सही में दानिश को मिस कर रहे हो तो उसके लिए प्रे करो, जितना हो सकता है डोनेट करो, उससे उसको फ़ायदा होगा, ना कि उसको कंपेयर करने से किसी के साथ उसके लोगों के कमेंट में उसका नाम डालने से उसको फायदा होगा। और वो भरत के वीडियो के बाद मेरा ये भी प्लान था कि मैं दानिश के साथ वीडियो बनाऊं और हम लोगों का कन्वर्सेशन भी चल रहा था और उसके बाद अचानक से सब कुछ हो गया। बट एट दी एंड किसी को हेट मत करो, किसी का कुछ भरोसा नहीं है, अपने आप में पॉजिटिव रहो ताकि लोग तुमसे अटैच हो, तुम्हारे से लोग कनेक्ट हो। सो गाइस ये चीजें मुझे शेयर करना था। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। And enjoy your life and stay tuned for the next video. Baby, why can't you see? तो पूरे वीडियो शूट करते हैं ताकि इसको फॉलो करो परफेक्ट वाइज। हेलो आज ही सलाम जी ने आज तक हमारे चैनल का बंद क्या जा हुआ है, व्हाट्सएप आता है ये बात केवल इंस्टाग्राम मारेंगे तुमको। हां इंस्टाग्राम मारेंगे, क्या मारना, जोर से मारना।